हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू हेल्थ मेड इजी। और मैं हूं डॉक्टर नीरज। फ्रेंड्स, क्विक एक्सरसाइज सीरीज़ के आज के इस वीडियो में मैं आपको बैक पेन के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं। हम लोग अक्सर ऐसा देखते हैं कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको बैक पेन के एपिसोड्स बहुत जल्दी जल्दी होते रहते हैं। कुछ भी सामान थोड़ा सा खिसकाया तो बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा देर सिटिंग दे ली तो बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाती है, इसके अलावा किसी सामान को लिफ्ट किया या किसी भारी आइटम को उठा लिया तो बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाती है, इवन प्रोलॉन्ग ड्राइविंग करने पर भी बहुत सारे लोगों को बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम जल्दी जल्दी होती है, उन लोगों में अनस्टेबल बैक की प्रॉब्लम होती है, जिसमें हमारे स्पाइन का हमारे हिप जॉइंट के साथ में जो अटैचमेंट होता है वो अनस्टेबल होता है, वो बार बार अपनी जगह से डेविएट हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार बैक पेन की प्रॉब्लम होने लगती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उसको क्योर करने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। आइए मैं आपको बताता हूँ कि एक्सरसाइज किस तरह से करनी है। देखिए, जिस तरह से मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ, आपको आराम से एक फ्लोर पर या बेड पर आराम से लेट जाना है। अब दोनों घुटनों को हल्का सा बेंड कर लेना है और उसके बाद में धीरे धीरे बैक को लिफ्ट करना है। इस पोजीशन को ब्रिजिंग की पोजीशन कहा जाता है, क्योंकि एक ब्रिज की तरह फॉर्मेशन होता है ये। जब आप बैक को लिफ्ट करते हैं तो बैक को इसी पोजीशन में 5 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद धीरे धीरे बैक को वापस नीचे लेकर आना है। फिर से वापस इसी पैटर्न को रिवाइज करना है, बैक को लिफ्ट करना है, 5 सेकेंड के लिए होल्ड करना है और उसके बाद धीरे धीरे नीचे लेके आना है। ये ब्रिजिंग की एक्सरसाइज किसी भी तरह के बैक पेन में बहुत इफेक्टिव होती है, स्पेशली जिन लोगों में अनस्टेबल बैक है, उन लोगों में तो ये बिल्कुल मैजिकल रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। इस एक्सरसाइज को आपको 15 से 20 रिपीटेशन के एक सेट में दिन में 2 बार रिवाइज करना है। वे लोग जिनको अनस्टेबल बैक की प्रॉब्लम है, वे लोग इस एक्सरसाइज को अगर रेगुलर करते हैं तो सिर्फ 7 से 10 दिन में ही उन्हें मैजिकल रिजल्ट देखने को मिलते हैं और बैक पेन में बहुत रिलीफ मिलता है। सो फ्रेंड्स, वे लोग जिनको अनस्टेबल बैक की प्रॉब्लम है, वे लोग इस एक्सरसाइज को ज़रूर ट्राई करें। आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस के ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना बहुत ध्यान रखें। गुड बाय।